हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, PRT, JBT एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। सैलरी 65,000 पर मंथ यहाँ रहने वाली है। सरकारी शिक्षक भर्ती है, तो चलिए देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल, टोटल पोस्ट, ये पोस्ट कोड है। जब आप अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड ध्यान में रखना है, जिस पोस्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज विद कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर और क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए जो है पेज नंबर दिया है इन्होंने, जैसे कि टीचिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो है इसी में है, तो PGT में केवल वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देखने के लिए पेज नंबर 20 आपको ओपन करना होगा। लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी, बेसिक पे 47,600 रहेगी और 1.5 लाख तक जो है सैलरी जाएगी। सरकारी नौकरी है, हिंदी की 2 पोस्ट हैं, बायोलॉजी की 1 पोस्ट है, PGT में अनरिजर्व कैटेगरी की हैं 2। TGT में भी जो है केवल वुमेन कैंडिडेट अप्लाई करेंगी और लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी रहेगी 44,900 रहेगी बेसिक पे, और इसके बाद जो है 1,42,400 आपकी सैलरी यहाँ पर आगे जाके बन जाती है। TGT में कुल जो है वो 4 वैकेंसी हैं, जिसमें साइंस की 1 है, इंग्लिश की 1 है, संस्कृत की 1 है, आर्ट एंड क्राफ्ट की 1 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1, अनरिजर्व कैटेगरी की और एक्स सर्विसमैन की 1 है। ठीक है, पेज नंबर 21 आपको देखना होगा TGT के लिए। नेक्स्ट जो है TGT कैंपस में, तो इसमें जो है कैंपस में ही जो है रहना होगा जो भी अप्लाई करेंगे। इंग्लिश की 1 है, SST की 1 है, केवल वुमेन कैंडिडेट के लिए ही है, क्योंकि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है तो महिलाओं की ही जो है यहाँ पर भर्ती की जाती है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, खानपुर खाला सोनीपत हरियाणा की वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है। उसके बाद जो है अभी काफ़ी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, बट मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में केवल कवर करूंगी टीचिंग स्टाफ की। ठीक है, हॉस्टल सुपरवाइजर के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे तो लेवल 6 ₹35,400 बेसिक पे है, और SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। PRT में आप देखें कैंपस स्कूल, केवल वुमेन कैंडिडेट जो है अप्लाई करें। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स में इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, और कैटेगरी देखें SC की 1 है, BC की 1 है। पेज नंबर 22 एंड 23 अभी मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन जो है वो बता दूंगी। सबसे पहले जो है पोस्ट देख लें, सैलरी देख लें और कितनी जो है वैकेंसी है। JBT के लिए भी जो है वुमेन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 35,400 बेसिक पे रहेगी, उसके बाद 1 लाख से अधिक जो है सैलरी आपकी जाएगी। इसके लिए जो है पेज नंबर 23 हम देखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, जैसे कि सबसे पहले जो है JBT की देख लेते हैं, पेज नंबर 23। तो सबसे पहले जो है JBT के लिए आप देखें, यहाँ पर जो है 12th और साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में मांगा गया है। तो JBT में जो है BTC वाले, DED, DLED वाले, BSTC वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में HTET, हरियाणा टेट लेवल 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। PRT के लिए जो है ग्रेजुएशन वाले 12th पास कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ में, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ में या 12th किया है 50% मार्क्स के साथ में, तो और प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा या डिग्री, साथ में एस्टेट लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए, बस इतना ही मांगा गया है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने हरियाणा टैट जो है वो क्लियर कर रखा होता है। राजस्थान के भी कैंडिडेट जो कि एस्टेट जो है वो क्लियर किए हुए काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर दें। TGT में देखें ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए, BED होना चाहिए और एस्टेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो है आपका यहाँ पढ़ाने का रहेगा, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है।
पीजीटी के लिए देखें, हिंदी या संस्कृत जो है वो आपने 10th या इससे हायर क्वालिफिकेशन में पढ़ा होना चाहिए। और हरियाणा में जो है तीन जो है टेट होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 जो कि पीजीटी के लिए होते हैं, लेवल 2 टीजीटी के लिए, और लेवल 1 जो है पीआरटी या जेवीटी के लिए। ठीक है, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहेंगे। और 50% मार्क्स जो है आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। अभी 4th तो जो लाइन लिखी है कि द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट फेज 1। तो अभी मैं आपको बता दूंगी कि सिलेक्शन जो है वो कैसे रहेगा यहाँ पर। तो हमने बात कर ली है जेबीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में, और साथ में जो है ग्रेड बी इन द यूजीसी 7-पॉइंट स्केल। अनुभव भी जो है यहाँ पर मांगते हैं, 15 साल से ज़्यादा का अनुभव मांगते हैं। और कुछ और भी जो है खास पोस्ट, जैसे सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपका, और साथ में पीजीटीसीए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई करें। हॉस्टल सुपरवाइजर के लिए तो केवल 12th ही मांगते हैं, और आपने 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए देखें, ग्रेजुएशन चाहिए या फिर 12th भी अगर आपने किया है, साथ में एस्टेट लेवल 1 क्वालिफाई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सिलेक्शन जो है कैसे रहेगा। अब जो है इन्होंने लिखा है, जैसे कि आपने पेज नंबर 23 देखा जेबीटी के टीचर्स के लिए, तो वहां पर लिखा था कि फेज 1 जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो सभी का दे रखा है अलग अलग, अभी मैं आप लोगों को एक का बता देती हूँ। जैसे फेज 1 है सब्जेक्टिव टेस्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर और सब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट जो है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसमें जो है 50 क्वेश्चन होंगे और पासिंग मार्क्स जो है वो 25। सिलेबस जो है इन्होंने दिया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। फेज 2 में क्या रहेगा, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर टीचर्स का है, तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को ये बता दे रही हूँ। फेज 2 में जो है 60 मिनट, 30 मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो है वो 15 रहेंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जर्नल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आपका होगा 60 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और फेज 3 जो रहेगा तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, तो आपने जो है आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही है तो उसके मार्क्स जो है यहाँ पर आपके जोड़े जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया। अभी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इन्होंने दिया है सब्जेक्टिव टेस्ट फेज 1 जो कि 80 मार्क्स का रहेगा। एक्सपीरियंस जो है वो फेज 2 में आपका 10 मार्क्स का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन फेज 3 जो है 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। ऐसे जो है इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर बताया इसका। ठीक है, उसके बाद जो है और भी देख लें आप, टीजीटी के लिए, जेबीटी के लिए, पीआरटी के लिए, सभी के लिए। तो काफ़ी लंबा जो है वो पीडीएफ फाइल है, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर आना है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, तो केवल महिला कैंडिडेट के लिए ही है वैसे तो। खानपुर खाला, सोनीपत, हरियाणा, यहाँ से वैकेंसी है। यहाँ से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था। जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो भी सब्सक्राइबर पहले के हैं, तो रेगुलर जो है वीडियो को देखते रहें। कई बार यूट्यूब की तरफ से जो है आपको समय पर सूचना नहीं मिल पाती है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो जो भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं उनको आप देखते रहा करें। हो सकता है आपका सब्जेक्ट रहा हो, आपके आसपास की जो है जगह से वैकेंसी आई हो और आपको समय पर सूचना ना मिल पाए। ठीक है, तो रेगुलर जो है वो वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो इसमें जो है सबसे ऊपर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अभी जो है नॉन टीचिंग पोस्ट लिखा है, लेकिन इसी में जो है जो भी वैकेंसी है पीआरटी की, जेबीटी की, जितनी भी है वो इसी में मिलेगी आपको। ठीक है, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट की एक में ही मिलेगी, तो आप ऐसा ना करें कि कहीं और ढूंढने लग जाएं, इसी के अंदर मिलेगी। सबसे नंबर 1, सीरियल नंबर 1 पर ही है, 23 मार्च 2024, और आगे है डाउनलोड। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, इसको जो है डाउनलोड आप कर लेंगे। इस तरीके से जो है आपको 56 पेजेस की पीडीएफ फाइल नज़र आ जाएगी, और जो भी कुछ आपको देखना है तो ये पूरा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है,
जैसे कि इम्प्लॉयमेंट नोटिस देखना है तो 3 नंबर पेज आप ओपन करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट डेट है यानी स्टार्टिंग और क्लोजिंग की डेट जो है अप्लाई करने की, वो आपको 4 नंबर पेजेस पर, और एप्लीकेशन फीस जो है क्या रहेगी ये 11 नंबर पर है, जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। तो पेज नंबर जो 11 है इसमें यहाँ पर दिया है अनरिजर्व कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पर फीस 2,000 रुपये है, काफ़ी अधिक फीस है बट सरकारी नौकरी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल रही है। फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, तो इनकी 1,000 रुपीज़ है। कैंडिडेट ऑफ एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 500 रुपीज़, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है केवल हरियाणा के, कोई फीस नहीं है। ठीक है, जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो उनकी फीस बिल्कुल लगेगी सभी की 2,000 रुपीज़। तो ये जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक है vpsmv.ac.in। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो है पूरी पीडीएफ फाइल को जरूर देखें अच्छे से अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे।